दारू के लिए पेप्सी चोरी करने आया था। चोरी? तेरी तो रुको। तेरी वजह से यहाँ लोग आने से डरते हैं। मुझे काम वाली बाई नहीं मिलती और तू यहाँ बैठा दारू पीता है। नीचे उतर, नीचे उतर। तू नहीं उतरूंगा। आप मारोगी? हाँ मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ अच्छा ठीक है चल नीचे उतर। मारूंगी तो नहीं? नहीं मारूंगी। तू नीचे तो आ। मैं पेप्सी लेने आया था तो मैंने चखना देखा। इतने दिनों से बगैर चखने के दारू पी रहा था। रोज ग्रोसरी जाके मेरे लिए चखना लेके आना। अच्छा रुक। थक गई। मेरी क्रॉकरी। वापस मत आना वरना। मम्मा भूत क्या होता है? जब तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे ना जो तुम्हारी पिटाई करने आएगा वो भूत होता है। अपने घर में कोई भूत है क्या? सब बोलते हैं। बेटा भूत होता ही नहीं है। अपने घर में एक चोर छिपा रहता था एंथनी जो सबको भूत बनकर डराता था। आज मैंने उसे मार के भगा दिया। हाँ आपने मारा उसे? फिर क्या? किचन का सामान चोरी कर रहा था उसके सारे भूत उतार दिया मैंने। मतलब उसमें भूत था? भूत भूत कुछ नहीं होता, एंजल्स होते हैं। एंजल्स? वो क्या होते हैं? एंजल्स जब भगवान किसी से खुश हो जाते हैं ना तो वो उन्हें एंजल बना देते हैं। जैसे कि दादाजी को। जब दादाजी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने बोला अरे आप तो बंकू के दादाजी हैं, तो मैं आपको स्टार बना देता हूँ ताकि आप हमेशा बंकू को देखते रहें। मम्मा आपने कभी एंजल देखा है? देखा है और उसका नाम है बंकू। बंकू, बंकू, बंकू। अगर मुझे कभी एंजल मिल गया हाँ? तो मैं क्या करूँगा? तुम उससे दोस्ती करना, उसे अपनी कहानियाँ सुना देना। वो दिखता कैसा होगा? अगर दादाजी ने भेजा होगा तो उनके जैसा ही दिखेगा। तो मैं उन्हें बचा लूंगा। हाँ। पापा का फोन। अरे बंकू स्लोली सीढ़ियाँ हैं। पापा। अरे वाह बदमाश, तुझे कैसे मालूम पापा का फोन है? क्या कर रहे थे? पता है आज मैंने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर इंक फेंक दी। ओह वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू हो गई तेरी बदमाशी। फिर पहले ही दिन बुलावा आ गया स्कूल से। जरा समझाओ इसे वरना स्कूल से निकाल देंगे। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अंजलि इस बार बहुत ज्यादा लोड है, आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। घर सेट हो गया? कहाँ, कार्गो से सामान भी आ गया लेकिन काम वाली नहीं मिल रही। सब भूत की कहानियों से डरे हुए हैं। और भूत होता ही नहीं है। अब इससे बड़ा और भूत कौन होगा? ए, यहाँ फिर क्यों खड़ा तू? मार खानी है फिर से तुझे। मेरा घर था ये, मेरे पास जगह भी नहीं है और काम भी नहीं है। नहीं? घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए, चोरी वोरी नहीं वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर दो ना, कर दो ना। तू चल झाड़ू उठा, तू चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी कितना गंदा है तू, पहले नहा क्या? लाओ
लाओ, 25 रुपए लाओ। क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? साफ देख रही हूँ मैं, कुछ सफाई नहीं की है। अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है, चल तू। मुझे रह नहीं यस कर रहे। आदित्य मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम अपनी कंपनी से कहो कहीं और अरेंजमेंट करें अभी। अंजलि अंजलि, तुम इतना अच्छा घर सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें नौकर नहीं मिल रहा? तुम्हें क्या है, घर बदला, शिप में बैठे निकल लिए, संभालना तो मुझे पड़ता है। सुबह सुबह उठो, बंकू को तैयार करो, खुद तैयार हो, उसका टिफिन बना, टिफिन टिफिन, और वो टिफिन खाता भी तो नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम घर से है या टिफिन से? तुम्हें हंसी आ रही है ना? नहीं तुम हंस लो। अरे बाबा हंस नहीं रहा हूँ मैं, देखो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद कर देंगे। मम्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मुझे कामचोर समझती हैं। बस तुम दूसरा घर देख लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ओके ओके बाबा, एक दिन दो मुझे, मैं सोचता हूँ और कल तुम्हें फोन करता हूँ। तुम कब आए? जब आप पापा को डांट रही थी। डांट नहीं रही थी, बात कर रही थी। और तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क। होमवर्क? तुमको क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। है? तुमने खाया पूरा है? मम्मा आप गुस्सा हो? नहीं। परेशान हो? क्या करूं, पूरा घर फैला हुआ है। मम्मा परेशान मत हो, मैं एंजल के साथ मिलके सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ओवरऑल गाइस कैसे लगी आप लोगों को हमारे मूवी एक्ट, जो कि हम लोगों ने इतना मूवी का मूवी एक्ट करा है। और गाइस मतलब खुशी अच्छी है। और गाइस आप लोग बता दूंगा मैंने क्या क्या रोल करा है। तो गाइस मैंने रोल करा है यादव जी का, और जो कि आप लोग ये देख सकते हैं खाली है, बिल्कुल ही खाली है। ये देखिए गाइस, देखिए आप फिर सोचेंगे। ये देखिए गाइस पूरा खाली है, आप लोग कुछ और ना समझें। और कैसे हानिकारक होती है, और जो स्मोक भी, स्मोक वगैरह ये सारा हानिकारक होता है, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। एंड गाइस जिसने बच्चे का रोल करा है, किसका नाम क्या है? पिंकू ऐसी नाम है कुछ, बंटू। जिसने गाइस भूतनाथ मूवी वो बच्चा है तेरे वाल। तो गाइस उनका रोल करा है हमारे दोस्त ने, जिनका नाम नक्स है, और वो फिलहाल उनकी मम्मी ने खुला लिया इसलिए वो ऊपर है। तो वो हमारे दोस्त ने गाइस उनको हमने अपने वीडियो में लिए, क्योंकि वो बच्चे दिए थे गाइस, और बच्चे के हिसाब से वो सही लग रहे थे, तो हम लोगों ने उनको अपनी मूवी में लिया है। तो गाइस आप लोगों को ऐसी मूवी एक्ट हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो हमारे चैनल को अभी क्या कर लें, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर, और वीडियो को क्या करें, लाइक। तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें हमारी इस वीडियो को। और गाइस आप लोग बता दें कि ऐसी मजेदार एंटरटेनमेंट वाली वीडियो आपको उसके चैनल पर मिलने वाली है, नदर चौधरी के। अगर इसको भूल चुक हो गई हो तो इसे भी और हमें भी माफ कर दीजिएगा। और वैसे तो मैं इस मूवी में हूँ नहीं गाइस, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, अगर हो गई हो तो माफ कर देना, कमेंट में बता देना जरूर। हाँ तो गाइस अभी कुछ सीन और लेने थे, बट आप लोग देख सकते हैं एक बार यहाँ दिखाइए गाइस, रात हो चुकी है, आप लोग कैमरे में ज्यादा नहीं दिखाई, ब्रश लाइट तेज है, यहाँ दिखाइए आप। तो गाइस सिर्फ इतनी बात आप लोग बता दें कि रात के कारण हम लोगों ने और सीन नहीं ले पाए, हम लोग चाहते थे आपको और सीन ले, क्या पता हम इसके लिए पार्ट टू भी बना सकते हैं। तो गाइस ये मूवी कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट में, और अब हम लोग जाते हैं अंदर। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियो हमें बनानी थी गाइस थोड़ी आगे की, लेकिन रात हो चुकी इसलिए नहीं बना पाए गाइस, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे दूसरा पार्ट बनाने के लिए। लेकिन गाइस बाय।